अस्पतालों में कोरोना के मरीज बढ़ने लगे। मुख्तलिफ अस्पताल के टीचर में कोरोना वायरस की तस्दीक, जबकि राबिया बसरी कॉलेज की तलबा को भी कोरोना का शिकार हो चुकी हैं। सदर मुस्लिम लीग नून यूथ विंग कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी कोरोना का शिकार हो गए हैं और कैप्टन रिटायर्ड सफदर शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में जेरे इलाज हैं। कैप्टन रिटायर्ड सफदर के फेफड़े भी मुतासर हुए हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बलदियात ताहिर खुर्शीद भी कोरोना का शिकार, जबकि एडीए के दो अफसरान कोरोना का शिकार हो गए हैं। अपडेट करें आपको, शहर भर में बढ़ते कोरोना केसेस के हवाले से अस्पतालों में कोरोना के मरीज भी बढ़ने लगे हैं और मुख्तलिफ अस्पतालों में सूरत हाल ये है कि कोरोना के 48 मरीज हैं जो कि जेरे इलाज हैं। इसी हवाले से जानते हैं जाहिद चौधरी से। जाहिद चौधरी बताएगा, अवाम अभी भी बेहतियाती बढ़ती चली जा रही है अवाम की तरफ से और शहर में जो कोरोना वायरस के केसेस हैं उनमें भी इजाफा हो रहा है। जी बिल्कुल, ये बहुत ही एक अलार्मिंग सिचुएशन है इस वक्त शहर में कि 1 अक्टूबर से ऑनवर्ड सिर्फ जो कोरोना के केसेस हैं उनमें राइज ही देखने में आ रहा है। हर गुजरते दिन के साथ ये केसेस जो है ना सिर्फ बढ़ रहे हैं बल्कि रोजाना की बुनियाद पे जो नए मरीज जो है वो कंफर्म किए जा रहे हैं उनकी तादाद पहले से ज्यादा होती है। इसके साथ साथ अमवात का सिलसिला जो कि रुक गया था, थम गया था, वो दोबारा जो है वो चल रहा है और अभी तक जो है वो तसलसल के साथ जो डेथ्स हैं वो भी रिपोर्ट हो रही हैं शहर में। एक जो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक ये बहुत ही एक अलार्मिंग सिचुएशन है और वो इसको सेकेंड वेव करार दे रहे हैं। इसके साथ साथ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि जो सेकेंड वेव में जो वायरस की जो शक्ल है, जो इस वक्त जो उसका उसकी जो म्यूटेशन के बाद जो सूरत हाल है वो ज्यादा जो है वो लीथल भी है, ज्यादा कंटीजियस है, उससे फैलाव बहुत तेजी के साथ होने का खदशा है, जिसकी वजह से शहरियों को ज्यादा एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करना चाहिए सख्ती के साथ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा देखने में नहीं आ रहा। पब्लिक मकामात के ऊपर, खासतौर पे क्राउडेड प्लेसेस के ऊपर जो मास्क का इस्तेमाल है, हैंड सैनिटाइजेशन है, इसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग है, उसका फुकदान दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ये संगीन नोयत का एक खतरा है इस वक्त शहर में सूरत हाल दोबारा ज्यादा खराब हो सकती है। ठीक है जाहिद चौधरी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। शहर भर में कोरोना केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और अस्पतालों में भी कोरोना मरीजों में इजाफा होता चला जा रहा है। आपको बताएं कि अवाम की जानिब से बेएहतियाती बरती जा रही है, ना एसओपीज को फॉलो किया जा रहा है, ना ही मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बताएं कि अस्पतालों में भी कोरोना मरीजों में इजाफा हो रहा है और सूरत हाल ये है कि मुख्तलिफ अस्पतालों में कोरोना के 48 मरीज हैं जो कि जेर इलाज हैं और शहर के अस्पतालों में कोरोना वायरस के 11 मरीज हैं जो कि वेंटिलेटर पर मुंतकिल किए गए हैं। राबिया बसरी कॉलेज की तालबा को भी कोरोना हो गया है। इसी तरह एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बलदियात ताहिर खुर्शीद भी कोरोना का शिकार हुए हैं। आज काबीना कमेटी का अहम इजलास हुआ जिसमें यह फैसला किया गया कि लाहौर शहर के 13 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाएगा, जिनमें अनारकली, मजंग, गुलशन रावी और दीगर इलाके भी शामिल हैं। साथ ही साथ कोरोना एसओपीज फॉलो नहीं किए जा रहे थे अवाम की जानिब से, जिसके बायस कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा था और आज ये फैसला किया गया है कि 13 इलाकों में लॉकडाउन फिर से लगाया जाएगा। जाहिद चौधरी हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं। जाहिद चौधरी साहब बताएगा, आज इजलास हुआ है काबीना कमेटी का जिसमें ये फैसला किया गया कि 13 इलाकों में लॉकडाउन लगाया जाएगा, क्या स्क्रीनिंग और टेस्टिंग के निजाम से मुतालिक भी कोई हिकमत अमली पर गौर किया गया आज? जी बिल्कुल, आज ये फैसला किया गया है कि दोबारा जो है वो बाद इलाकों में लॉकडाउन जो है वो किया जाएगा और ये स्मार्ट लॉकडाउन उन इलाकों में होगा जहाँ से केसेस ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इससे पहले भी यही पॉलिसी जो है वो लागू है और इसके तहत अक्टूबर के दौरान ही ये इसका आगाज किया गया था कि जहाँ से भी 2 केसेस रिपोर्ट होंगे वहाँ स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज होगा। 398 ऐसे मकाम थे शहर में जहाँ पे स्मार्ट लॉकडाउन किया गया, लेकिन वो कागजों की हद तक था, अमली तौर पर जो है वो कोई इकदाम नहीं किया गया था, ना ही किसी जो कंफर्म पेशेंट है उसकी जो नकलो हरकत है उसको रोका गया, ना ही उसकी जो है वो 100% जो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग है, जो उसके जो कॉन्टेक्ट सैम्पलिंग है वो हो सकी, जिसकी वजह से जो जिली इंतजामिया है उसके गैर संजीदा रवैये और इस तवज्जो की वजह से जो केसेज हैं वो रुकने की बजाय उनको कंटेल करने की बजाय उसमें इजाफा देखने में आया।
और जराये का ये कहना है कि जो हालिया फैलाव है इसकी वजह बड़ी। जाहिर चौधरी से हमारा राबता मुनकता हुआ है, एक मरतबा फिर से आपको बताएंगे शहर भर में बढ़ते कोरोना केसेस के हवाले से। और आज इंसदाद कोरोना कमेटी के हवाले से भी इजलास हुआ है, जिसमें SOPs पर अमल दरामद करवाने के हवाले से ना सिर्फ हिकमत अमली है जो कि तश्कील दी गई है, बल्कि आपको बताएं कि शहर भर के 13 इलाके ऐसे हैं जिनमें लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। इस हवाले से तमाम तरह इंतजाम है जो कि मुकम्मल किए जा रहे हैं, मशावरत की जा रही है, हतमी फैसला जल्द होगा। MAO कॉलेज की टीचर में कोरोना की तस्दीक हुई है, जबकि राबिया बसरी कॉलेज की तालिबा को भी कोरोना हो चुका है। अस्पतालों में कोरोना के मरीज है जो कि बढ़ते ही चले जा रहे हैं। शहर भर की सूरत हाल ये है कि मुख्तलिफ अस्पतालों में कोरोना के 48 मरीज हैं जो कि जेरे इलाज हैं। शहर के अस्पतालों में कोरोना वायरस के 11 मरीज वेंटिलेटर पर मुंतकिल किए जा चुके हैं। MAO कॉलेज की टीचर में कोरोना की तस्दीक हुई है, राबिया बसरी कॉलेज की तालिबा को भी कोरोना हो गया है। हमें ज्वाइन किया है जाहिद चौधरी ने। जाहिद चौधरी बताएगा स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में रेंडम और रैपिड टेस्टिंग के हवाले से क्या कोई लाह अमल तश्कील दिया जा चुका है, क्योंकि स्कूल्स में अभी भी कोरोना टेस्ट करवाए तो जा रहे हैं लेकिन कोरोना केसेस भी सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, तालीमी इदारों में जो है वो काफी केसेस अब तक रिपोर्ट हुए हैं और कल के साथ केसेस सामने आने का सिलसिला जारी है, और ये रैंडम सैंपलिंग में जो है वो ऐसा हो रहा है। और इसकी बड़ी वजह ये है कि जब तालीमी इदारे जो हैं वो खोल दिए गए तो उसके साथ भी जो सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से और जो SOPs पर अमल दरामद के हवाले से जो इकदाम किए जाने थे उनका ओवरऑल जो है वो फुकदान दिखाई दिया, और वो ना होने की वजह से जो केसेस हैं वो तालीमी इदारों में खा वो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस और स्कूल्स का लेवल हो उसमें केसेस बढ़ रहे। और अभी इस हवाले से जो रैंडम सैंपल में जो माहिरीन होते हैं कहना है कि बहुत कम तादाद में जो केसेस हैं वो पिक हो पा रहे हैं, जबकि ओरिजिनली नंबर इससे ज्यादा होने का खर्चा है। जाहिद चौधरी साहब यह भी बताएगा कि ये दूसरी लहर है कोरोना वायरस की और दूसरी बार लॉकडाउन लगाया जा रहा है, इसके क्या असरात होंगे आवाम पर और कारोबार पर? जी फिलवक्त तो जो ये लॉकडाउन की डेफिनेशन है जिसके तहत ये पहले भी जिस पर अमल कागजों की हद तक किया गया था, इसमें सिर्फ उन्हीं इलाकों को जो है वो फोकस किया गया है जहाँ से केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, सिर्फ वहाँ वो नकल वरकत को महदूद किया जाएगा और किसी हद तक जो केसेस हैं उनको मद्देनजर रखते हुए जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी। पार्शली ये रिस्ट्रिक्शंस होंगी जुजवी तौर पर आमदोरफ्त के हवाले से, ट्रैवलिंग के हवाले से, लेकिन इस पे मजबूरी तौर पे जो है वो उस एरिए को कोई खुदा ना खास्ता इससे बंद करने का मकसद अभी फिलहाल नहीं है कि मुकम्मल तौर पे कोई शटडाउन किया जाए, ऐसी सूरत हाल अभी तक जो है वो डिसाइड नहीं हुई। बहुत शुक्रिया साहिद चौधरी, आप हमें तमाम तरह सूरत हाल के हवाले से तफसीली तौर पर अपडेट कर रहे थे।